तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है। जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करवाई जा रही है, किनके द्वारा मांग कराई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। कौन मांग रहा? जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहां सुट रही है।